देश की अर्थव्यवस्था को भाजपा ने चंद पूंजी घरानों के पास बंधक बना दिया है। जनता कंगाल होकर कराह रही है, जबकि अमीर हर रोज समृद्ध और संपन्नता के नए शिखर छू रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने की दम्भपूर्ण घोषणा तो दोहराई जाती रही है, लेकिन यथार्थ में यह प्रदेश अब हर क्षेत्र में पिछड़ता ही चला जा रहा है। यह तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से लगाए हैं। अखिलेश यादव ने देश और प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए आगे कहा है कि दैनिक आवश्यकताओं की सभी चीजें, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली एवं खाने का तेल, खाद्य वस्तुएं सहित अन्य घरेलू सामान महंगा हो गया है। परिवारों का औसत खर्च 4 माह में 43% बढ़ गया है। बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई की खरीद लोगों की जेब से बाहर है। भाजपा सरकार में महंगाई के शिकार लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आम आदमी के लिए आगे जिंदगी चलाना आसान नहीं रह गया है। अभी गेहूं खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से नहीं हुई है। 5 बड़ी कंपनियों ने किसानों से गेहूं खरीद लिया और अपने गोदामों में भंडारण कर लिया। निश्चय ही अब अपनी मुनाफाखोरी की आदत के चलते वे महंगा आटा बेचेंगे। गरीब की रोटी थाली सब जनता की पहुंच से बाहर हो जाएगी। भाजपा सरकार में विकास अवरुद्ध है। गड्ढा मुक्त प्रदेश भाजपा सरकार का पहला और सबसे बड़ा अधूरा वादा है। आलम यह है कि सरकार अब गड्ढा मुक्त की नई तारीख भी नहीं बता रही है। भाजपा सरकार में खस्ता हाल सड़कों की तस्वीर भी नहीं बदली। बारिश से पहले मरम्मत नहीं हुई तो सड़क तालाब की शक्ल में नजर आएंगी। भाजपा राज में जनता भीषण गर्मी में झुलस रही है। डबल इंजन सरकार वादे के मुताबिक बिजली भी नहीं दे पा रही है। शहर से गांव तक अघोषित बिजली कटौती से हाहाकार मचा है। भाजपा राज में पिछले 5 साल में एक भी बिजली घर नहीं बना। भाजपा राज ने उत्तर प्रदेश को अंधेरे की सौगात के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अपराध के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। लूट, हत्या, अपहरण की खबरें रोजाना सुर्खियां बनती हैं। महिलाएं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी है। फर्जी एनकाउंटर भी होते रहते हैं। मानव अधिकार आयोग इस संबंध में राज्य सरकार को कितनी ही नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन जनता की बुनियादी समस्याओं की ओर भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जनता की परेशानियों और तकलीफों के निवारण की दिशा में कोई कदम उठाने की उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई देती है। भाजपा लोगों के बीच सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है।